हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज से कुछ दिन पहले हम लोगों के चैनल पे फिजिक्स के क्रैश कोर्स और केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स स्टार्ट किए गए थे और साथ साथ में इंग्लिश के भी क्लास स्टार्ट किया गया था। आज हम लोग मैथ कक्षा 10 के मैथ के क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं और जो कि आज हम लोग जो है मैथ के सिलेबस के बारे में जानेंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर आते हैं वो आज आप लोग को बताया जाएंगे और साथ साथ में कुछ पहले चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमको मैथ में क्या पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर आपका होता है वास्तविक संख्याएँ। सबसे पहला चैप्टर क्या होता है? वास्तविक संख्याएँ। ठीक, वास्तविक संख्या सबसे पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं? सबसे पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्याएं, जिसे आप लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। अगर हम वास्तविक संख्याएं के बारे में जाने तो एक ऐसी संख्या जिसकी कोई मान होती है, जिसकी कोई वैल्यू होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कई प्रकार की होती है, जो कि हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंतर्गत हम आपको इसके बारे में बता देंगे, डिटेल से जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक, दूसरा चैप्टर आता है बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या आता है? बहुपद। अब बहुपद जिसकी इंग्लिश होती है पॉलीनोमल्स, PolyNomals। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि आपका बहुपद क्या होता है। तो बहुपद जो होता है ऐसे एक या एक से अधिक पद या दो से अधिक पद वाले क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। बहुपद के बारे में भी डिटेल से जानकारी चैप्टर स्टार्ट करने के दौरान आपको बता दिया जाएगा। तीसरा चैप्टर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या आते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें आपको जो है इस चैप्टर के अंतर्गत दो चर वाले समीकरण को पढ़ना होगा, समीकरण को हल करना पड़ेगा। हल करने की कई विधियां होंगी, प्रतिस्थापन, विलोपन, भुजगुणन, तो हर एक विधि के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। चौथा चैप्टर आपका है द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर क्या है? द्विघात समीकरण। अब जान लेते हैं जरा सा द्विघात समीकरण के बारे में भी। एक ऐसा समीकरण जिनकी अधिकतम घात क्या होती है? दो होती है, वो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में देखना चाहो तो x² + 2x + 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो देखिए इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये कौन से समीकरण कहलाते हैं? द्विघात समीकरण कहलाते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे इसमें आ जाता है x + y = 5 या 2x + y = 5 = 0, तो ये सब क्या होते हैं? दो चर। देखिए एक चर x हो गया, एक चर y हो गया, एक चर x हो गया, एक चर क्या हो गया? y हो गया। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। ठीक, अब बहुपद का भी अगर आप लोग एक दो एग्जांपल देखना चाहते हो तो क्या देख सकते हो? जैसे कि x^7 + 2x + 7 = 0, तो ये देखिए क्या है? एक पद, दो पद, तीन पद, तो एक पद नहीं, दो या दो से अधिक पद वाले क्या कहलाते हैं? पॉलीनोमियल्स कहलाते हैं, वो बहुपद हो गए। ठीक, अब हम लोग जानते हैं आपका जो अगला चैप्टर है जो द्विघात समीकरण के बाद आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर आता है आपका छठवां चैप्टर त्रिभुज, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा चैप्टर मान लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति। हमने क्या कहा? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति ही क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होते हैं, और बाकी जानकारी हम लोग जो है चैप्टर के दौरान कर लेंगे। ठीक, अगला चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति। अगला चैप्टर क्या पढ़ना है आपको? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना होगा और रेखा अंतःखंड विभाजन ज्ञात करना होगा, और बाकी सब जानकारियां हैं इसके अंदर, जब चैप्टर के दौरान आपको बताया जाएगा। अब आपका अगला चैप्टर आता है त्रिकोणमिति का परिचय। किसका भैया? त्रिकोणमिति का परिचय। ये चैप्टर आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर देता है, ये चैप्टर आपको भूलना नहीं है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, अब आपका अगला चैप्टर आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसी के दौरान आते हैं। अगला चैप्टर आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक, अगला आता है इसी क्रम में आपका अगला चैप्टर आता है वृत्त। अगला चैप्टर क्या हो गया? वृत्त के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर आ जाता है रचनाएं। किसके बारे में पढ़ना है भैया? रचनाएं के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर आता है आप लोगों का रचनाएं के बाद आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये भी अच्छा चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, अगला चैप्टर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें कई प्रकार के पृष्ठों का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे और आयतन निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।
और इसी क्रम में आपका अगला चैप्टर आता है सांख्यिकी और लास्ट आता है प्रायिकता, एक आता है सांख्यिकी ठीक, और उसके बाद क्या आता है प्रायिकता। यानी हम कक्षा 10 का मैथ का स्टार्टिंग वास्तविक संख्याएं से स्टार्ट करते हैं और अंत कहां कर दिया जाता है प्रायिकता में। तो इस प्रकार आपके जो गिने हुए चैप्टर हो गए वो कितने हो गए, 8, 3, 11, 3, 11, 4, 15 अध्याय आपको पढ़ने हैं। और पूरे 15 अध्याय हम आप लोगों से वादा करते हैं कि एक महीने की क्लास में पूरे क्रैश कोर्स करा दिए जाएंगे और साथ साथ में हर एक संडे को मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा ठीक। तो आज हम लोग जो है आपका पहले चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले संख्या क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं संख्या क्या होता है, नंबर क्या होता है। अगर हमारे जीवन में संख्या नहीं रहा होता तो आज हम लोग किसी आंकड़े को ज्ञात नहीं कर सकते, किसी आंकड़े को गिना नहीं जा सकता था, किसी को काउंटिंग नहीं किया जा सकता था। अगर हमने कहा कि ये कितनी लाइनें हैं तो अगर संख्याएं आज नहीं होती तो हम गिन के ये नहीं बता सकते थे कि ये कितनी लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने कहा संख्या एक माध्यम होता है जिसकी सहायता से किसी आंकड़े को ज्ञात किया जाता है। संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्याएं होती है, एक काल्पनिक संख्याएं होती है। एक रियल नंबर होती है, एक इमेजिन नंबर होती है, एक आपके जो है क्या होते हैं, एक वास्तविक संख्या होती है। ध्यान से समझिएगा, संख्या के दो भाग हो गए, एक वास्तविक संख्या और दूसरी क्या होती है, काल्पनिक संख्या। क्या होती है, काल्पनिक संख्या। तो इस संख्या, ऐसी संख्या जिसका अस्तित्व नहीं होता, जिसका कोई मान नहीं होता, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और काल्पनिक संख्याएं आपको कक्षा 10 में नहीं पढ़ना है, इन संख्या को अगर आप लोग 11 की क्लास में मैथ लेते हैं तो इस संख्या को आपको पढ़ना वहां पड़ेगा। तो हम लोग इसको भूलते हुए आज चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है। वास्तविक संख्या कई रूप के होते हैं, तो सबसे पहला आता है, सबसे पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या। कौन संख्या, प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं या गिनती वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हमने कह दिया प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक, यानी गिनती वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आपकी क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब दूसरा होता है, इसी में दूसरा भाग होता है पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं भैया, पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग W से व्यक्त करते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है होल नंबर। यानी होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। 0, 1, 2, 3, 4 ये डॉट डॉट। तो इसमें देखिए, प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिए तो वो पूर्ण संख्या हो गई। यहां एक दो बातें नोट करने वाली बात है कि यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, केवल जीरो को छोड़कर। जीरो एक ऐसी संख्या है, जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। बात समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं तीसरी संख्याएं के बारे में जानते हैं। तीसरी होती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, जिसे हम लोग जेड से व्यक्त करते हैं, पूर्णांक क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा जरा सा, पूर्णांक क्या होता है। तो हमने बताया कि वह संख्या या वह संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या का धनात्मक मान और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। हमने कहा प्राकृतिक संख्या का धनात्मक मान 1, 2, 3, 4 ये हो गए 0, और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान ये हो गए आपके प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान। हमने क्या कहा कि प्राकृतिक संख्या का धनात्मक मान और प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान का योग ही पूर्णांक कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, जो धनात्मक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। यानी जो धनात्मक संख्या होगी वो धनात्मक पूर्णांक, और जो ऋणात्मक होगी वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है, ये बात आप समझिएगा। अब आपकी अगला आता है परिमेय संख्या। क्या आता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सके और जहां क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अर्थात वे संख्याएं जिसे हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। क्या हो भैया, लिखा जा सके, और जहां Q
क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे दो बटे तीन, जीरो बटे एक, चार बटे पांच, पांच बटे छह, पर दो बटे जीरो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू का मान जीरो हो गया तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं, बल्कि ये सब आपके परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आपने इनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा और जहां क्यू का मान जीरो नहीं है। तो बात समझ में आई, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? एक ऐसी संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू का मान जीरो नहीं होता, वो आपकी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक लास्ट आते हैं हम लोग इसी से, अगला आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं तो ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में न लिखा जा सके, वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन, अंडर रूट पांच, जीरो दशमलव सात आठ, सात छः पाँच चार तीन दो एक, ये सब कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिनको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इनको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये होती हैं वास्तविक संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो अब हम लोग जो है चैप्टर के अंदर चलते हैं। चैप्टर के अंदर में एक आपको एक हेडिंग से मुलाकात होगी, इनकी भूमिका में क्या है, वो आपकी भूमिका है या इस चैप्टर की भूमिका है, क्या है भैया? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और साथ साथ में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। अगर वो दो चीज हम लोग जान लिए तो इस चैप्टर का कोई इस चैप्टर में कुछ नहीं रह जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो ध्यान से समझेंगे, कुछ हम लोग अपने बना लेते हैं जरा सा टॉपिक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की तरफ। पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता, उसको समझने से पहले हमने बचपन में हम लोग भाग दिया करते थे, आज भी भाग देते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि दो से भाग देते हैं पाँच में, तो दो दुना कितना होता है? चार, और पाँच में से चार घटाते हो तो एक होता है, और ये एक क्या आता है? आपका शेषफल आता है। क्या आता है भैया? शेषफल आता है, ध्यान से समझिएगा। और ये आपका क्या होता है? भाजक होता है। ये क्या होता है? भागफल होता है। और ये क्या होता है? भाज्य होता है, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि ये बात समझ में आया, एक नहीं दो ले लेते हैं। अगर हमने क्या कहा कि अगर सात में तीन से भाग देना है या नौ में तीन से भाग देना, तो तीन त्रिका नौ, नौ में से नौ कटा दिए क्या आगे भी है जीरो, तो यहां शेषफल जीरो आ जाता है। अगर हम आपसे पूछें क्या इस पांच को लिखना चाहें, तो इस पांच को क्या लिखा जा सकता है? दो गुणे दो, दो गुणे दो, और प्लस क्या आ जाएगा? एक। क्या हम पांच को ऐसे नहीं लिखा जा सकते? ऐसे लिख सकते हैं। तो पांच बराबर क्या आ गया? दो गुणे दो प्लस एक। क्या अगर हमने इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? नौ बराबर तीन गुणे तीन, तीन गुणे तीन, और शेष फल क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इसी के आधार पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, वहां संख्या न लेकर किसी अक्षर को ले लिए गए। तो आइए हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? माना ए व बी, ए व बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है भैया? कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, जहां ए क्या है? बी से बड़ा है। जहां ए क्या है? बी से बड़ा है। तो चलिए हम लोग ए में बी से भाग देते हैं, तो ए में बी से भाग दिए, तो बी से जब ए में भाग दिए तो यहां कोई एक संख्या क्या मिल गया? क्यों मिल गया? जो भागफल दो और तीन आता था वो भागफल यहां क्या आ गया? क्यों आ गया? और जो रिमाइंडर आता था वो क्या आ गया? आर आ गया। जो शेषफल यहां एक आया था वो शेषफल ए आ गया। तो अब हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या तैयार हुआ? चलो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम याद नहीं कराएंगे आपको, ये समझा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, क्या आप पांच के स्थान पे यहां क्या है आपका? ए है। इस पांच के स्थान पे आपका ए है। इस दो के स्थान पे क्या है? दो, आपके दो के स्थान पे यहाँ क्या है? बी है। और इस दो के स्थान पे क्या है? क्यू है। और यहाँ जहाँ एक लिखते थे वहाँ क्या है? आर है। अरे यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर शेषफल है और क्यू क्या है? आपका भागफल है, और बी क्या है? भाजक है, सॉरी बी क्या है? भाज्य है, और ए क्या है? भाजक है।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गए। बात समझ में आया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी क्रम में एक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है, एक क्रम होता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है श्रृंखला, कि किस क्रम में आप लगा रहे हो, किस क्रम में आप सवाल को लगाओगे, तो एल्गोरिथम ये आपको बताता है। और ये एल्गोरिथम क्या बताता है कि यह एक प्रकार की श्रृंखला होती है, ये आप सवाल को कितने चरण में लगाओगे वो एल्गोरिथम बताता है। तो अब हम लोग टाइम को बिना नुकसान किए हुए, आप लोगों के टाइम को बिना लेते हुए, हम चैप्टर की आज चैप्टर प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रश्नावली 1.1। ठीक, चलिए सबसे पहला सवाल है आप लोगों का, निम्नलिखित संख्याओं का एससीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एससीएफ ज्ञात करना है। एससीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अधिकतम वह बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे वो क्या कहलाता है, एससीएफ कहलाता है। तो सबसे पहला सवाल है, पहले में पहला पार्ट है 135 और 225, 135 और 225। इसी का दूसरा पार्ट है 196 और 38,220 और 38,220। ध्यान से समझिएगा, 38,220। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले यहां मानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमको लगाना है, तो सबसे पहले ए और बी यहां निर्धारित करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो ए मान लिया जाएगा। तो ए बराबर यहां क्या है, 225 है, माना ए बराबर क्या है 225 और बी बराबर क्या है 135 हो गए। बात समझ आया, यहां जो ए है वो बी से बड़ा है, तो ए जो है बी से क्या है, बड़ा है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको दिक्कतें आती हैं आप लोगों को, तो आप बगल में रफ वर्क कर सकते हो, रफ कार्य कर सकते हो। क्या करोगे कि 135 जो छोटा होता है उसी से तो भाग देते हैं बड़े में, तो 135 भागे कितना हो जाएगा 225। अब 135 दूना तो जाएगा नहीं, एक बार लेके जाओगे तो 135 इक्के 135, 5 में से 5 माइनस किए 0 और 12 में से 3 घटा दिए 90। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहां लिखेंगे प्रथम चरण। क्या लिखेंगे, प्रथम चरण। चलिए ध्यान से समझिएगा, अब ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे आपने माना है 225 और बी के स्थान पे क्या है भैया 135 है। क्या हमने कहा, ए के स्थान पे 225, बी के स्थान पे 135 और क्यू का मान कितना आया है, एक आया है, और प्लस आर, आर के स्थान पे क्या है 90 है। तब तक हमको हल करना है जब तक रिमाइंडर, जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 90 को इस बार क्या मान लेंगे, बी हो जाएगा। अब 90 का मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ए क्या हो जाएंगे 135, ये वाला 135 यहां आ जाएंगे। तो 90 इक्के कितना होता है 90 और घटाओगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएंगे। तो अब दूसरे चरण में क्या लिखेंगे भैया, दूसरा चरण, तो दूसरे चरण में लिखेंगे, अब इस बार ए के स्थान पे क्या है 135 है, तो ये ए हो गया 135 बराबर बी के स्थान पे कितना है भैया 90 है, और क्यू, क्यू के स्थान पे 1 है, और आर, आर के स्थान पे क्या है 45 है। चलिए अब क्या करते हैं, फिर से 45 को किस में भाग देते हैं 90 को, तो 90 यहाँ आ जाएंगे, 45 दुना क्या हो गया 90, कैंसिल हो गया, तो शेषफल 0 आ गए। यानी ये लास्ट चरण था, तीसरा चरण, क्या लिखेंगे, यहाँ ए के स्थान पे इस बार 90 आ गए, और यहाँ बी के स्थान पे क्या है 45, क्यू के स्थान पे क्या है 2, और रिमाइंडर क्या आया है 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तब समझिएगा कि सवाल आपके हल हो चुके हैं। अतः लिखेंगे, अतः एच सी एफ बराबर किसका, दी गई संख्या कौन है 135 और 225 का एससीएफ क्या हो जाएगा, ये बड़ी से बड़ी संख्या कौन होती है 45, तो एससीएफ इसका क्या आ गया 45 आ गया। समझ में आए भैया सवाल आप लोगों को। चलिए हम लोग इसके क्रम में दूसरा सवाल सॉल्व कर लेते हैं, 196 38 220। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ माना ए बराबर क्या है भैया, ए बराबर 38,220 और बी बराबर क्या है 196। ध्यान से समझिएगा, यहाँ ए जो है वो बड़ा है बी से, तो हम लोग एक
अब देखिएगा, अब क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ध्यान से समझिएगा, हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं जरा सा। क्या करेंगे, 196 से किसमें भाग देंगे, 38, 220। तो सबसे पहली बात, 196 इक्के लेके जाएंगे तो माइनस करोगे, 12 में से 6 को माइनस करोगे 12, और यहाँ 17 में से 9 माइनस करोगे 8, यानी माइनस करने पर 186 आ गए आपके। फिर उसके बाद आगे की दो उतार लिए, 196 को 9 बार लेके जाओगे तो 9 छक्के 54 और 9 नवा 81, 81 5 86 और 9 इक्के 9 और 9 और 8 कितने हो गए, 17। 12 में से 4 घटाए 8, 15 में से 6 घटा दिए, कितना आ गया अभी यहाँ 9 आ गए, और बाकी ये दोनों कैंसिल हो गए, आगे 0। 5 बार लेके जाओगे तो 980 भी आपके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यानी हमने देखा कि ये एक ही चरण में पूर्ण रूप से विभाजित हो गए, क्योंकि शेषफल आपके क्या आ गए, 0 आ गए। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के स्थान पर कितना है 38 220, और बी के स्थान पर कितना है भैया 196, और क्यू के स्थान पर क्या है 195, और आर, आर क्या है 0 है। तो लिखेंगे, अतः एच सी एफ, एच सी एफ 196 38 220 बराबर कितना हो जाएगा, जो बी होता है वही एस सी एफ होता है 196, इसके क्या हो जाएंगे आपके एस सी एफ आ जाएंगे। बात समझ में आया भैया, ये आपको सवाल समझ में आए होंगे तो नोट कर लीजिएगा। जो तीसरा सवाल है 867 और 255, वो सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दिए जा रहे हैं, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपके सवालों को बता देंगे। चलिए, अब इसी क्रम में दूसरा सवाल है, जो कि बोर्ड पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आप चाहो तो इस प्रश्न को स्टार लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर 5 स्टार में कितने स्टार देना चाहोगे इस सवाल के लिए, तो 5 स्टार में 4 स्टार के लेवल के ये सवाल है। तो ध्यान से समझिएगा, सवाल है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और या 6q+5 के रूप का होता है। तो दूसरा सवाल है, क्या है, दर्शाइए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, होता है। ठीक, चलिए इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप के होते हैं। तो आइए अब हम लोग ध्यान से समझते हैं क्या होता है। माना ए और बी दो धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना ए व बी दो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है भैया, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, मान लिया, माना ए और बी दो धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ जो प्रूफ करना है वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ जो b है, अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तुलना करें तो यहाँ b के स्थान पे b का मान क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, q के स्थान पे q ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे, जहाँ b बराबर क्या है 6 है, और a जो है वो b से क्या है बड़ा है, a जो ए से क्या है छोटा है, ए से छोटा रहेगा तभी तो आप लोग भाग दे पाओगे ना। तो हमने क्या कहा, जहाँ बी बराबर क्या है 6, आप लोग फिर से बोल जाओगे बी बराबर 6 कहाँ से आया है, तो बी बराबर 6 यहाँ से लिया गया है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग कर लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक मिनट के लिए इस लाइन को थोड़ा सा मिटाते हैं, हम लोग एक लाइन और लिखेंगे, क्या कि b बराबर 6, जब b बराबर 6 होगा तो
तो आर बराबर, तो ध्यान से समझिएगा, इतनी दिन तक आप लोगों ने भाग दिया होगा, तो जो भाग देते हैं रिमाइंडर कभी जो है आपके भाजक से बड़ा कभी नहीं आता। तो हम रिमाइंडर जो लिखेंगे, आर जीरो होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, पर छः कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि जब छः आएगा तो हम लोग तो पुनः भाग दे सकते हैं। तो आर का मान आ गया जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, आइए हम आपको भाग दे के दिखाते हैं। दो दुना कितना आएगा, चार आएगा, एक ले जाओगे, और जब इसी भाग को आप दो से एक बार फिर दीजिए तो दो एक के दो घटाए कितना आ गया तीन। तो क्या ये जो शेष फल आ रहे हैं वो इस संख्या से कभी बड़ा आएगा? नहीं, ये कभी संभव नहीं हो सकते कि जो शेष फल आए वो आपके क्या हो, भाजक से क्या हो, बड़े हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा सा क्या करते हैं, ये आर बराबर जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच लिख लिए गए। अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रथम चरण जब क्या रखेंगे, या तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो गया आर। चलिए आप ध्यान से समझिएगा, प्रथम चरण या प्रथम चरण, प्रथम चरण में ए ये आपका ए वन हो जाएगा, या तो आप ए लिख ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं। बी के स्थान पे क्या है भैया, अच्छा है, क्यू के स्थान पे क्यू, आर के स्थान पे जीरो आ गया। तो मिला जुला के क्या मिल गया भैया, अच्छा है, क्यों मिल गए। द्वितीय चरण, ठीक, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण क्या होगा, ए हो जाएगा, बी से फिर बी का मान छः है, क्यों है, पर आर का मान इस बार जीरो नहीं बल्कि क्या आ गया, एक आ गया, जो कि किसके बराबर हो जाएंगे, छः क्यू प्लस वन। ऐसे ही तृतीय चरण लगाएंगे तो तृतीय चरण में क्या हो जाएगा, ए बराबर छः क्यू प्लस आर के स्थान पे एक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। या तो आप करना चाहो तो कर दीजिएगा, ये ए वन हो गए, या ए जीरो, ए वन, फिर ए टू हो गए, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग चतुर्थ चरण में चलेंगे तो चतुर्थ चरण में क्या आएगा, ये ए थ्री हो जाएगा, तो बी के स्थान पे छः क्यों, आर के स्थान पे इस बार क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पांचवा चरण, पांचवा चरण क्या हो जाएगा, पांचवें चरण में ए फोर हो जाएगा, बी के स्थान पे छः क्यों के स्थान पे क्यों, आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। लास्ट छठवां चरण, तो छठवां चरण में क्या हो जाएगा, ए फाइव इक्वल टू बी के स्थान पे छः, क्यू के स्थान पे ये, और आर के स्थान पे क्या रख दिए गए, पाँच रख दिए गए। पर आपको क्या करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ से ये जो द्वितीय चरण वाला है, एक ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, और एक ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, और एक आपका ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि और बाकी जो और बचे हुए हैं जैसे a2, a4 और जो a0 है वो दो से विभाज्य है, वो समपूर्णांक है, इसलिए उनको हम लोग नहीं लेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि 6q और 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है भैया, सम धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक लेने पर, विषम धनात्मक पूर्णांक लेने पर ठीक, तब क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक लेने पर दी गई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। देख लीजिएगा, आप अगर धनात्मक विषम पूर्णांक को छोड़ दोगे तो जो आपकी संख्या a और b है वो क्या हो जाएगा, वो a और b जो है, a और b के लिए जो संख्याएं होंगी विषम पूर्णांक, वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक लेने पर दी गई संख्याएं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक, इस प्रकार ये सवाल आपके समाप्त होते हैं। ठीक, अब हम लोग जो है इसी चैप्टर का तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी परेड में, मिटा देते हैं हम लोग इसे, किसी परेड में 616 सदस्यों की, चलिए क्या सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो क्या कर रहे हैं, सदस्यों वाली एक सेना, तो कितने हैं भैया सदस्यों वाली सेना, कितनी है, तो सेना की संख्या कितनी दी गई है भैया, 616। ठीक, सेना की संख्या हो गई। फिर क्या कर रहा है, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले, तो भैया 32 सदस्यों वाले बैंड के पीछे मार्च करना है। तो जो टुकड़ी है वो टुकड़ी कितनी है भैया, टुकड़ी कितनी है, टुकड़ियों की संख्या कितनी है, कितनी है भैया, 32 है। अब वो बोल रहे हैं
कि आप बताइए दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो आप जब भी अधिकतम संख्या की बात आएगी तो हम लोग दी गई संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं, एससीएफ निकाल लेते हैं। तो यहां मान लेते हैं ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड या तो लिखेंगे, और क्या पूछा है प्रश्न में, पूछा है ना कि भैया अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या दी गई संख्याओं के मसप के बराबर हो जाएगा, लिख देंगे। यार नहीं तो हम लोग जानते हैं, एक रफ वर्क कर लेते हैं, क्या करेंगे 32 से 616 में भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा लगभग, आप देखिएगा 32 एक 32 हो जाएंगे, ठीक। 11 में से 2 घटाओगे 9 आ जाएंगे और 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएंगे, ठीक। अब क्या करोगे भैया, आगे 6 उतार लीजिएगा, अब कितनी बार लेके जाओगे 32, अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए 32 सत्ते तो 7 दूनी 14 और 7 तरीक 21, 21 एक 22, अभी जा सकते हैं लगभग आप 9 बार लेके तो जाइए, 9 दूनी 18, 9 8 बार ले जाइए, 8 दूनी 16 और 8 तरीक 24, 24 एक कितने हो गए 25 हो गए, तो क्या 9 बार भी जा सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 तरीक 27, एक 28, तो घटाओगे तो शायद 8 आएंगे, ये 8 आ गए। तो पहले चरण में हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या यहाँ दिखा देंगे 32 616, ये हो गए ना भैया। तो अब क्या लिखेंगे, a बराबर हमने पढ़ा था बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ a के स्थान पे कितना है 616 है, b के स्थान पे 32 है और q के स्थान पे कितना है 19 है, r के स्थान पे कितना है 8 है। ये तो प्रथम चरण की बात हो गई, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, द्वितीय चरण की, किसकी भैया, द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण में क्या आ जाएगा, अब 8 से 32 में भाग दोगे, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, तो अब क्या करेंगे द्वितीय चरण में, a के लिए कौन आ गया, a बराबर क्या आ गया भैया, a बराबर आ गया 32, b के स्थान पे क्या आ गया 8, q के स्थान पे 4 और रिमाइंडर क्या आ गया 0, अतः लिख देंगे, अतः अधिकतम संख्या, या लिख देंगे अतः मार्च बैंडों की अधिकतम संख्या, बैंडों की अधिकतम संख्या, बैंडों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी बराबर एच सी एफ किसके 616 और 32 के बराबर, तो 616 32 का एस सी एफ क्या हो जाएगा 8, तो ये 8 आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर क्या था भैया, 3 था, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आपके फिलहाल आज की क्लास में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, बचे सवालों को जो है हम लोग अगली क्लास में समाप्त कर दिए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को पसंद कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।